चलो चलो सुबह हो गई। सुपर मैन सुपर। अरे अरे भाई भाई, अरे भाई यार, अरे भाई क्या कर रहे भाई, अरे भाई ये वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। This is the second day in Kashmir and we are ready for the breakfast. चलते हैं अभी फटाफट खाना शाना खा के ब्रेकफास्ट करके फिर फटाफट चलते हैं शिकारा पे फिर से ग्रोट तक, फिर रोड से चलेंगे अपन किधर पहलगाम। So guys all set to check out, निकलते ब्रेकफास्ट किया बहुत बढ़िया, पापा इज वेटिंग। ओके सर थैंक यू सो मच। क्या दिन गया एक, yesterday's home was really really beautiful. शिकारा भी आ गया अपना, दानिश भाई खड़े हैं, सामान रख दिए गए हैं, दानिश भाई से हेलो दानिश भाई, रेडी टू लीव, आखिरी फोटो सेशन ऑन द बोट हाउस। चलिए आइए फटाक से आइए मम्मी, एक फैमिली फोटोग्राफ हो जाए फिर निकलते हैं। बाय बाय बोट हाउस, बाय बाय बोट हाउस। हेलो दानिश भैया, ये अभी बोट चला रहे हैं। ये खूबसूरत नजारे और उनकी उतारे की इनोवा भी खड़ी हुई है और ये रहे अंकल बीच में खड़े हैं। ये रहे अंकल, अब चल रहे हम लोग। चलो 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 सुबह हो गई। चलते ये भैया वहाँ पे हम लोग की इनोवा खड़ी है, ये हम लोग सब अपने हम लोग उतरेंगे। ये रहे मम्मी पापा राजगद्दी पे, ये भैया और भैया मैं यहाँ बैठा था तो अब चलते हैं। बाय दानिश भैया चलते हैं अब। भैया जा रहे हैं, अब दानिश भैया जा रहे हैं, चल रहे हैं हम लोग। सो वी आर गोइंग टू पहलगाम। अंकल पहलगाम जा रहे हैं, वहाँ पे थोड़ी बर्फ होगी। हाँ ऊपर बर्फ। हाँ चलिएगा। पहलगाम में सब दो साइड सीन है, अब आपका मर्जी आपको कौन सा करना है। विंटर की ब्यूटी है बर्फ से, ऑटम की ब्यूटी है ड्राइनेस से, वो इनविटेशन देती है ड्राइनेस को, पूरा लीव्स वीव जड़ जाते हैं। स्प्रिंग की ब्यूटी है जो इनविटेशन देता है ग्रीनरी को, आप स्प्रिंग अभी चल। Guys, this is Ashwakam Mountain, Ashwakam Peak. पूरा बर्फ है उधर, बहुत ही प्यारा व्यू, बहुत ही प्यारा व्यू। I don't know how this camera capturing the view, but I will definitely edit. अगर नहीं दिख रहा होगा इसमें सही से तो I will do the color grading and color correction and will make you all to see this. This is something really really natural and beautiful. बहुत प्यारा। एक का अलग कलर है, दूसरे का अलग कलर। So we are going to पहलगाम। This is केसर का बाग। केसर का जो होता है ना टाइम। और वो देखिए क्या व्यू है यार, पूरा बर्फ बर्फ मैन। उसका अपना ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। इसी मौसम में ये मस्टर्ड ऑयल भी निकलते हैं। नहीं वो नेवल हो गया। अच्छा नेवल बिकता है 40 जो केसर है वो 2.5 लाख रुपए का किलो है, 2.5 लाख का किलो। तो गाइज हम लोग यहाँ रुके हुए हैं केसर के बाग में जस्ट फॉर द फोटो शूट, एंड बहुत ही ब्यूटीफुल है। इधर सामने बिल्कुल बर्फीले पहाड़, अभी तो मेन बर्फ में जाने वाले हैं हम लोग, कल जाएंगे गुलमर्ग। क्या बात है, उस टाइम 24 घंटे रखवाली होती है। ये क्या है,
केसर का फूल कोई लेना जाए क्योंकि सबसे महंगा है और वर्ल्ड इसी पे होगा, इसी पे आता होगा एक्सपेंसिव स्पाइसेस में। ये है ये मस्टर्ड ऑयल का है, पीला है ना, अगले महीने इसमें मस्टर्ड ऑयल पूरा कंप्लीट होगा। लेकिन जब आप अक्टूबर में आओगे यही फील्ड पाओगे आप सैफ्रॉन से भरे हुए। 20 अक्टूबर से 20 नवंबर तक केसर रहता है एक महीना, 24 घंटे रखवाली। अच्छा, रात दिन रखवाली होती है। आराम से बिल्कुल ये हो गया। सो अब हम लोग भी अंदर जा रहे हैं। पापा ने मम्मी को अभी भगा दिया कि मेरा अकेले खींचो फोटो। तो कैसा लगता है आपको? नहीं, मेरे को यहाँ बीच में देखो इसमें रेत निकाल रहे हैं। जहलम रिवर है कश्मीर के, जैसे चार सीजन है, समर विंटर ऑटम स्प्रिंग, चारों ही सीजन जो है बहुत मजबूत होते हैं। तो कंस्ट्रक्शन के लिए जैसे यहाँ पे घर बनते हैं, बिल्डिंग बनते हैं, तो ये रेत काम आती है जो आप देख रहे थे जहलम से निकाल रहे हैं। और कुदरती बात ये है जितना इसमें से निकालेंगे ऑटोमेटिकली उतना भर के जाएगी फिर से। अरे वाह, क्योंकि पिछले 50 सालों से निकाल रहे हैं, आज तक खत्म नहीं हुई। और ये रास्ता जैसे मैं बता रहा था बहुत सारी चीजों के लिए फेमस है, केसर के बाग है, केसर की दुकानें हैं। अब आएगा ऑन द वे जो आप पेड़ देख रहे हो सामने, इनको बोलते हैं कश्मीरी में विर विर, इंग्लिश में इनको बोलते हैं विलो ट्रीज। ओ हाँ, इस रास्ते में इन पेड़ों को काटते हैं एंड दे मेक स्मॉल पीसेस ऑफ, और वो रखते हैं छत के ऊपर। वो अंदर से गीले होते हैं, उनको ड्राई करने के लिए रखते हैं और फिर बनाते हैं यहाँ पे क्रिकेट के बैट्स। ओके, तो यहाँ पे जैसे आईपीएल में यूज होते हैं, कश्मीर विलो बहुत यूज होते हैं आईपीएल में, क्योंकि यहाँ पे जो बैट्स बनते हैं सीजर की बॉल का रेंज शुरू होती है 1500-2000, वही बैट्स फिर ये इंपोर्ट करते हैं ऑल ओवर इंडिया में, और वो बैट्स फिर 5000-8000-10000 का बेचते हैं। ऐसा क्यों? ओ यहाँ से कौन भी आ रही है, देखो ऊपर ऊपर देखो कैसे बैठे हुए गन ले लेके। पुलवामा इधर ही है, पुलवामा अटैक के बाद दूसरे साइड पे होगा, तो ऊपर तो अटैक अटैक So this is Sangam और right side पुलवामा है। So guys this is Bijbihara town है, ये आता है अनंतनाग district में, अनंतनाग district में ज्यादा अनंतनाग। हाँ, अनंतनाग district का है, ये तीसरे नंबर पे आता है ये district, JK03। Okay so this is JK03, we started from JK01, श्रीनगर is 01, जम्मू is JK02 and this is JK03। हाँ सर, ऑलमोस्ट यहाँ पे जैसे मैं बता रहा था पॉपुलेशन सन्नी की है 70%। नोबरा वैली में कैमल सफारिया होती है राइड, और ऑन द वे नोबरा के आता है खरदुंगला पास। खरदुंगला पास इज द वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड है। सो ये एप्पल के पेड़ है इधर सारे, एप्पल तो लटकता हुआ ना इसमें लगते है। हाँ, इसमें और क्या रसीले एप्पल होंगे ना यहाँ पे एप्पल में। यहाँ पे एप्पल में 8-10 वैरायटीज होती है, डिलीशियस है, गोल्डन डिलीशियस है, रेड एप्पल है, ग्रीन एप्पल है, स्मॉल अमेरिकन एप्पल है, महाराजा एप्पल है, महारानी एप्पल है, इनमें क्या है डिफरेंट टेस्ट है, कोई स्वीट होता है, कोई जूसी होता है, कोई खट्टा होता है, कोई मीठा होता है, कोई खट्टा रहता है, तो अलग अलग वैरायटी, अलग अलग टेस्ट, कोई हार्ड में रहता है, कोई नरम में रहता है। दिस इज एप्पल ऑर्चर्ड, बहुत प्यारा लग रहा है, छोटे एप्पल, इतने सारे एप्पल का पेड़ भाई साहब। एप्पल नहीं लगे सर, हार्वेस्टिंग टाइम अक्टूबर होता है ना, अक्टूबर से हार्वेस्टिंग टाइम, फ्लावर्स अभी इसमें, उसके बाद आएंगे ग्रीन लीव्स, देयर इज नो एप्पल्स ऑन ट्रीज, उसके बाद इसमें आएंगे छोटे छोटे एप्पल जो फिर धीरे 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 बढ़ेंगे, और फिर उसका हार्वेस्ट टाइम होगा अक्टूबर, जो फिर लाल एप्पल निकलते हैं। अच्छा, मतलब यहाँ पे भी तीन साइज है पेड़ों के, स्मॉल मीडियम लार्ज, उनमें भी तीन पेड़ों में अलग अलग वेराइटीज के एप्पल निकलते हैं।
ऊद की हॉर्स हॉर्सेस ऊपर ऊपर थे कौन सा क्या बोलता है अपना कौन सा रिवर है ये सिंध सिंध रिवर है ये साफ पानी है भैया क्या हाँ ये प्योर है पीने का पानी है वाह 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 पानी हमेशा साफ होता है गहरा नहीं है नल के बहता हुआ पानी है ना फ्लोरिंग वाटर ये यदि गहरा है इसका मतलब ढलान है इधर ये ऊपर से आ रहा है पहाड़ से ये देखो पेड़ हां 20 वैरायटी खाओगे आप वाह एक थाली तो खा ही लेंगे ना सारे कहाँ मिलेगी वो थाली आप एक काम करो पहले आ जाओ घूम के हाँ क्योंकि घोड़े पे जब जाना है ना हैवी खाना नहीं खाना नहीं, हाँ नहीं नहीं वहाँ नहीं अभी नहीं अभी तो खाना ही नहीं आप आ जाओगे ना घूम के हाँ मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पे उस पे देखेंगे कितने वैरायटीज डिश आएंगे थाली वाला वो स्टेरिंग से बड़ी थाली होती है हाँ तो समझ गया हमारा ट्रेडिशनल वे क्या होता है जब यहाँ पे हमारी शादी होती है ना इससे बड़ा होता है वो प्लेट वो एक प्लेट कम से कम 5,000-6,000 का है प्लेट ही खाली वो कॉपर और चांदी का होता है उसमें चार आदमी शेयर करते हैं दस्तर खाने पे मतलब अपने ट्रेडिशनल वे से तो चार आदमी जब शेयर करते हैं चावल होती है चावल के ऊपर ऑलरेडी लगी हुई होती है 5-6 वैरायटीज ये नॉन वेज की फिर बंदा आता है उसके बड़े हाथ में बड़ा उसको बाउल होता है वो भी कॉपर और चांदी का बनता है उसमें वो एक एक डिश आता है वो डाल के जाता है एक एक डिश आता है डालते जाता है ये देखिए पेड़ ये बर्फ है क्या ये मैपल ट्री ये मैपल ट्री है भाई व्हाइट इसमें व्हाइट मैपल ट्री कहाँ पे होटल भी होता मैंने कई जगह देखा है मैपल ट्री यहाँ पे होटल है ना चिनार द चिनार चिनार इसको चिनार ही बोलते हैं ना उर्दू में गाइस दिस इज वॉलनट ट्रीज ये अखरोट के पेड़ है सारे हाथ से क्या हाथ से तोड़ देते हो अखरोट ओ पेपर अखरोट कोई कोई अखरोट तो टूटते ही नहीं है नहीं मोटे होते हैं जो पेपर अखरोट होते हैं ना वो स्पेशलिटी है यहाँ की आप हाथ से तोड़ोगे आपने कागजी अखरोट वही चाहिए सो गाइस और ये क्या कर रही है आंटी जी कॉलिंग तुम रोड पे कारपेट धो रही है वाह ब्यूटीफुल व्यू बर्फीला पहाड़ पास आते जा रहे हैं आज वैसे हम शायद ही बर्फ पे जाएंगे गाइस दिस इज लिदर रिवर और अब हम लोग पहुंचने वाले हैं पहलगाम वी आर गोइंग फॉर हॉर्स राइड एंड टू द बेताब वैली पोस्ट दर सो दिस इज ब्यूटीफुल प्लेस बहुत ही प्यारा जगह So guys, we are at this beautiful place. बहुत प्यारी जगह और ये सारी जगह है घूमने के लिए जहाँ पे आपने बजरंगी भाईजान और वो सारी मूवीज की शूटिंग देखी होगी मिनी स्विट्जरलैंड या तो ये बहुत प्यारी पहलगाम वैली वाटरफॉल चुलैन लेक कानीमार्ग ओल्ड शिकारगा बिसारन डेनाव वैली दबियान कश्मीर वैली मिनी स्विट्जरलैंड दिस इज मिनी स्विट्जरलैंड बहुत प्यारी जगह क्या बात है सो लीविंग इमरान भाई हेयर वी आर हेडिंग टू द माउंटेन्स दिस पहलगाम और वो सब सारा स्विट्जरलैंड ओए गगन गगन चढ़ चुका है पापा चढ़ रहे हैं क्या बात है भाई ये टाइगर है मैं टाइगर पे जाऊंगा क्या सीधे चढ़ गया ये मम्मी गो जंप करना है भाई भाई मम्मी जंप करने को बोला था किधर बैठना है सब बैठ गए मेरा घोड़ा मेरा टाइगर इसका नाम टाइगर है चलो ठीक है
तो भाई सबके नाम पूछेंगे भी सारे घोड़ों के। किधर से बैठूं भाई? तो देखिए मेरा घोड़ा, ये रही मम्मी, बहुत ओपी, ये रहा मेरा घोड़ा, ये रहा मेरा कोपरो, वहाँ पे भैया बैठ रहे हैं, बैठ गए वो वहाँ पे टाइगर पे बैठ गए वो। देखिए पापा, इधर भैया, मम्मी, मैं, वहाँ पे आंटी, अंकल भी हैं। अपना मैं गाइस यू मे लर्न 1 2 3 इंग्लिश पाक के सीखो। कैमरा भैया, अरे इसको पकड़ो, अरे कोई इसको घोड़ा पकड़ो भाई, उसको घोड़ा पकड़ो भाई। गगन का घोड़ा कहाँ जा रहा है? गगन अकेले बैठे कैमरा। अरे भाई थोड़ा फैला के चला भाई, सट रहा है। गगन भाई छोड़ो नहीं भाई, सिद्धि चल रहा अकेले, गगन चल रहा अकेले भाई, भाई 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 भाई, ये गुस्सा आएगा तो नहीं टाइगर भाई? टाइगर बहुत मजबूत लग रहा है साला, ये कहीं बदतमीजी ना करे, बट मेरा घोड़ा बढ़िया है, बढ़िया टाइगर। टाइगर ब्रो, नाइस नाइस नाइस, क्या पहाड़ है। कल जाएंगे हम बर्फ में, आज बर्फ में नहीं जाएंगे। 6 पॉइंट भाई, बर्फ मिलेगा क्या हमको? थोड़ी थोड़ी, वो देखिए गाइस, गगन पीछे ये दौड़ के जा रहे हैं, ये देखिए दो दो घोड़े एक साथ, वो देखिए गाइस पीछे, क्या बात है। सिद्धि चल रहा है अकेले, अरे भाई तुर तुर कर रहे हो भाई, तुर तुर में कहीं भाग ना जा लेगे। अरे भाई 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 भाई, वो देखो टाइगर, आई एम ऑन टाइगर ब्रो, हे टाइगर ब्रो, हाउ आर यू ब्रो टाइगर? बस भाई बढ़िया से लेके चलो मेरे को टाइगर भाई। अरे भाई क्या कर रहे हो भाई? अरे भाई मत करो भाई, मारो मारो नहीं उसको यार। सो गाइस वी हैव रीच्ड दिस प्लेस, अमेजिंग प्लेस, बहुत ही मजा आ रहा है, व्यू देखिए आप, एंड वी हैव रिकॉर्डेड सम रील्स हियर, विल अपलोड इन सम टाइम, इन सम डेज एक्चुअली। और वापस घोड़ों पे सवार चाय शाय के बाद वो भाई लेके आ रहा है। भाई क्या नाम है आपका? हैं? एहसान भाई। तो एहसान ये करना आप हम पे कि भाई इनको भगाना मत, बस बैठे दो। हॉल्ट, अपने सारे घोड़े उधर जा रहे हैं नाश्ता पानी करने, रेस्ट करने के लिए, एंड सब लोग हैं, अंकल आंटी भी हैं, दे फ्रॉम करनाल। और दिस द व्यू, और एक जो जिसपे मैं बैठा था उसका नाम है टाइगर, जिसपे क्षितिज के घोड़े का नाम है सिम्बा, गगन के घोड़े का नाम है करण, और मम्मी का अर्जुन, और पापा का कार्तिक, ये पांचों घोड़े हैं अपने। देखो मैं बताता हूँ सबको, वो रहा सिम्बा, नहीं सॉरी ये मेरा घोड़ा है टाइगर, वो सिम्बा है, उसके आगे वो है कार्तिक, वो है अर्जुन, वो है करण, वाओ, और ये अंकल आंटी घोड़े हैं दोनों। और किसको बचा? मेरा बच्चा, राम
घोड़ा मुझे भी बचा रहा है, अपने आप को भी बचा रहा है। कितने प्यारे होते हैं यार ये। So guys, we are at mini Switzerland. और बहुत ही मजा आ रही है, और यहाँ थोड़ा बर्फ मिला हमको, और ये दोनों बर्फ के गोले बना रहे हैं, बहुत ठंडा है। और ये देखिए मार रहे हैं, ये नहीं, इसको मम्मी को, मेरे को, मम्मी को, ये। तो गाइज अभी हम लोग हैं मिनी स्विट्जरलैंड। पकड़ूंगी, पकड़ के क्यों So Gagan has made his new friends. भाई अपना अपना नाम बता दीजिए आप लोग। हाँ जी, हामिर, हामिर भाई आपका नाम, विशारद भाई, ये भाई तो अपने, ये अपने साथ रहते हैं। So it has been a great time, wonderful day. चलते हैं वापस, शिकारा तो बहुत कर लिया, अभी हमारे horses हैं, तो अपने टाइगर के पास वापस चलने का है। ऐसा नहीं है, टाइगर बहुत मस्त है भाई, बहुत पावरफुल हॉर्स है वो। क्या बात है, दिस इज सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। सो गाइस वी आर डन विद दिस हॉर्स राइडिंग, बहुत मजा आया, बहुत ही नेक्स्ट लेवल मजा आया। थोड़ी चीजें गंदी भी हो गई हैं, बट अभी हम लोग एक बेताब वैली में रुकेंगे, वहां पे मम्मी ग्रिल बनाएंगे और वहां पे हम लोग थोड़ा धुला धुलम धुलम कर लेंगे। चलते हैं फटाफट बेताब वैली। सो गाइस कार उधर पार्क है और मन भाई वहाँ खड़े हैं, और हम यहाँ पे हैं बिल्कुल फोटो खींचने के लिए बेताब वैली। सो सब नीचे जा रहे हैं और चलते हैं फटाफट नीचे, इमरान भैया वहीं रहेंगे, हम चलते हैं नीचे, थोड़ा पैर वैर साफ कर लेंगे, पैर शायद गंदे हो गए हैं। चलो भाई, चलो चलो चले चले जनाब, चले चले जनाब। ये देखिए बेताब वैली, ये देखिए कैसे, क्या क्या कर रहे हैं बच्चे, इंजॉय कर रहे हैं वैली में, वैली है बेताब वैली, बेताब वैली। सागर देखो इधर, हेलो करो, कुछ बोलो, कुछ गाना गाओ, फोटो नहीं खींच रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ। So guys, we are at the harvesting point of apples. एप्पल के सारे, ये देखिए एप्पल ट्रीज, इससे में एप्पल आते हैं, और हम इस जगह जा रहे हैं खाने के लिए, एप्पल वाले रेस्टोरेंट में चलते हैं, कुछ खा पी के आते हैं। बढ़िया। So guys, done with this. एप्पल की खेती बन गया ना सर, एप्पल के पेड़, इतने सारे एप्पल के पेड़। तो अंदर जा रहे हैं सब लोग, और कार खाली कर दिए, अब चल रहे हैं सारा सामान लेके रूम में। एंड वी हैड अ वेरी वेरी ग्रेट टाइम टुडे, बाकी मैं रूम में पहुंच के बताता हूँ आप सबको सारी चीजें। चलते हैं अंदर, सो होम फॉर टुडे, वी हैड अ वेरी ग्रेट टाइम टुडे, अब दिखाते हैं आज का घर। क्या बात है भाई, वाह। वाओ भाई को व्हाट्सएप पे बोल भेज देना ये वीडियो, बढ़िया का बना, डन डन डन। क्या बात है, वी आर गोना हैव कहवा, कहवा बोलते हैं ना, कहवा इसमें है, कहवा आमंड्स, सैफरन, सैफरन आमंड्स एंड सेडिमेंट्स एंड कार्डमम्स, यू गोना हैव दिस टी, कहवा टी,
मजा आने वाली है भाई। उस्मान इज प्लेइंग विद गगन, उस्मान इज थ्रोइंग द बॉल एंड विच बॉल आर्टिफिशियल ऑरेंज, टेक दिस उस्मान प्ले विद हिम, इट्स देयर इट्स देयर, वाओ Hey, hey.